3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं हॉरिजन न्यूज़। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व के लिए बाजारों में उमड़ी खरीददारों की भीड़। तिल, गुड़ व मूंगफली से बने व्यंजनों व खाद्य पदार्थों की जमकर हुई खरीददारी। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व और 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व के लिए बाजारों में तिल और गुड़ सहित मूंगफली से बने व्यंजनों व खाद्य पदार्थों की खरीददारी के लिए दिन भर भारी भीड़ उमड़ी। पड़ाव स्थित महालक्ष्मी गजक एंड रेवड़ी भंडार के संचालक मोहन लखवानी ने बताया कि कोरोना के चलते रात 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, लिहाजा धंधा सिर्फ 2 दिन का रह गया है। आज और कल अच्छी खासी खरीदारी होने की उम्मीद है। लोग बड़ी संख्या में तिल से बनी गजक, तिलपट्टी, रेवड़ी, मूंगफली, तिल बुग्गा, तिल के लड्डू, मुरैना गजक और मेवा गजक खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण में आने का स्वागत और घर में पहली फसल के आने की खुशी में देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह दिन तिल गुड़ की महक से भरपूर होता है, इसलिए तिल और गुड़ से बने व्यंजनों में खासकर गजक की खरीदारी की जाती है। पहले तो थोड़ा लॉकडाउन की वजह से आदमियों को थोड़ी दहशत थी, लेकिन अभी आज और कल में थोड़ा अच्छा रुझान चल रहा है और अच्छी ग्राहकी चल रही है। किस तरह की वैरायटियाँ हैं इस बार? वैरायटी इस बार बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं, जैसे हमारे पिस्ता गजक, मुरैना गजक और बर्फी गजक बच्चों के लिए, जो मतलब मुलायम और बहुत बढ़िया गजक बनती है हमारी। पिस्ता गजक होती है, ड्राई फ्रूट गजक होती है, मूंगफली की चिक्की आती है, पिस्ता चिक्की, बहुत ही लाजवाब चीज़ बनती रही है और अच्छा काम है। इस बार दामों में कितनी कमी? कोई कमी नहीं है, कोई तेजी नहीं है। जो लास्ट ईयर रेट थे वो के वही रेट है। तिलों में इनमें महंगाई हुई? नहीं नहीं नहीं, तिल्ली भी लास्ट ईयर वाला रेट है, कोई महंगाई नहीं हुई तिल्ली। हमारे आइटम में कोई तेजी नहीं है। पहले कमी थी लेकिन इस बार 2 दिन से ठीक है। सेवमल गजक के संचालक जितेंद्र मोटवानी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की वजह से बाजार रात 8 बजे बंद करने पड़ते हैं, इसलिए 7 बजे से तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए बाजार में दिन में भारी भीड़ उमड़ रही है। संक्रांति के पर्व पर खरीदी जाने वाली तिल, गुड़ से बनी गजक व अन्य सामग्री के भाव इस बार पहले की बनस्पित थोड़े ज़्यादा है। जब सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है तो फिर गजक इससे अछूती कैसे रह सकती है। लगभग 10 से 20 रुपए किलो का अंतर देखा जा रहा है। गिरागी अभी 2-3 दिन से जो चलन है वो 2-3 दिन से हुआ है, बट उसके पहले सीजन में इतना मज़ा नहीं था, बिकॉज ऑफ बारिश पड़ रही थी बीच में और सर्दी भी इस बार काफ़ी लेट आई। जो नवंबर में आनी चाहिए थी वो दिसंबर मिड के बाद आई, तो जो सीज़न होती है वो इतनी मजे वाली नहीं थी। लेकिन ये है कि अभी 2-3 दिन से गिरागी है बस, जो कि सकारात के कारण होती है हमेशा। क्या मानते हैं कोरोना की जो गाइडलाइन? कोरोना गाइडलाइन 8 बजे के आने से थोड़ा बहुत गिरागी पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अभी जो त्यौहार का टाइम है, त्यौहार के टाइम पे कम से कम छूट होनी चाहिए थी, लेकिन अभी छूट नहीं है, तो उससे हमारे गिरागी में थोड़ा फ़र्क पड़ा है। जो 8 बजे गाइडलाइन है, अब 8 बजे का टाइम है तो फिक्स 8 बजे दुकान बंद करनी पड़ती है, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से ही चलेंगे हम भी। किस तरह की वैरायटी थी इस बार? वैरायटी भाई साहब इस बार नई वैरायटियाँ निकाली हैं, जैसे पिस्ता बर्फी हो गई और नई चिक्की हो गई, धोलपुरी हो गई, कुल मिलाकर के 23-24 टाइप की वैरायटियाँ हैं गजक में, और मूंगफली की भी चिक्की हो गई, ये सब कुछ है। रेटों में कुछ बदलाव हुए? रेट है भाई साहब इस बार सारा रॉ मटेरियल महंगा है, गुड़ महंगा है, शक्कर महंगा है और तिल्ली महंगी है। तिल्ली 40-40 रुपये किलो महंगी है पहले से, लेकिन रेटें हमने वही रखी है बिकॉज ऑफ कोरोना के कारण, ताकि ग्राहक पर प्रेशर नहीं पड़े। वहीं बाजारों में खरीदारी करने के लिए आए लोगों ने बताया कि पंजाबियों का पर्व लोहड़ी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह दूसरे दिन मकर संक्रांति का पर्व भी बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन दान पुण्य की बड़ी महत्ता है, इसे लेकर मकर संक्रांति पर कपड़े, रुपए, दाल चावल, खिचड़ी, तिल और गुड़ से बने मिष्ठान आदि का दान देने का विधान है। दान देने से खुशी मिलती है, लिहाजा मकर संक्रांति पर दान पुण्य किया जाता है। गायों को हरा चारा खिलाया जाता है और तिल गुड़ से बने व्यंजनों का दान दिया जाता है। हम लोग मकर संक्रांति की त्योहार के लिए गजक, तिल के लड्डू, रेवड़ी वगैरह लेने आए हैं। हाँ, इसकी मूंगफली और रेवड़ी के लिए आए थे,
तो बस उसको लेके अब घर जा रहे हैं। किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? अभी लोहड़ी का त्यौहार है तो शाम को अलाव जलाते हैं, उसके चारों तरफ सब लोग होते हैं और फिर गीत गाते हैं। बेसिकली है तो पंजाबी त्यौहार लेकिन हम सब भी मनाते हैं। अभी थोड़ा कोविड के चक्कर में इस तरीके से तो मनाया नहीं जाएगा, तो बस अभी तो घर पे ही रह के मनाएंगे फैमिली के साथ। अरे यही है कि तिल के लड्डू हैं, गजक हैं, बांटने के हिसाब से और सामान लेना है, अभी पतंगे लेनी है और यही है कि बांटने के हिसाब से, एक दूसरे को विश करने के हिसाब से ये त्यौहार है ना। क्या देता है गजक के लेने से? और गजक से ये कि तिल का दान देते हैं, तिल बांटते हैं, गुड़ बांटते हैं और यही चीज़ें इसके अंदर। बस ये तिल पपड़ी हुई और तिल्ली के लड्डू हुए, बस ऐसे ही। प्रेम का त्यौहार है, आपस में भाईचारे का त्यौहार है और नए साल का त्यौहार है ये। इसमें तिल, नई फसल है तिल, तो तिल वगैरह के लड्डू बनाते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं और पतंग वगैरह उड़ाया जाती है। तीर्थ नगरी पुष्कर में सुशीला किन्नर ने 1 रुपये किलो में बेचा हरा चारा। सप्ताह भर पहले जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन देकर मांगी थी 1 रुपये किलो चारा बेचने की अनुमति। पुष्कर तीर्थ नगरी में गनेढ़ा तराय पर गुरुवार को सुशीला किन्नर ने गौवंशियों के लिए 1 रुपये किलो हरा चारा बेचकर हरे चारे का दान पुण्य करने वाले लोगों से लूट करने वाले चारा विक्रेताओं को करारा जवाब दिया। सुशीला किन्नर ने भूख प्यास से दम तोड़ रहे गौवंश को बचाने के लिए ढोल की थाप पर नाचते हुए 1 रुपये किलो हरा चारा बेचने का नेक कार्य शुरू किया। इसके चलते गौ भक्तों में चारा खिलाने की होड़ मच गई तथा बड़ी संख्या में गौ भक्तों ने मात्र 1 रुपये में गायों को चारा खिलाया। सुशीला किन्नर ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पुष्कर एक हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल है जहां हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। कई गौशालाएँ खोल रखी हैं लेकिन वे सभी नाम मात्र की कागजों में चल रही हैं। प्रशासन और नगर पालिका कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते गौवंश की बुरी दुर्दशा हो रही है और गौवंश भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जगह जगह चारा बेचने वाले महंगे दामों पर 10 रुपये किलो में हरा चारा बेचकर दानदाताओं को लूट रहे हैं, जबकि चारा बहुत सस्ता है लेकिन सभी ने लूट मचा रखी है। सुशीला किन्नर ने कहा कि वह पुष्कर में गौवंश की दुर्दशा नहीं होने देंगी और गौवंश को भूख प्यास से भी नहीं मरने देंगी। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे 1 रुपये किलो में चारा बेचेंगी। गौरतलब है कि सप्ताह भर पहले अजमेर जिला कलेक्टर को सुशीला किन्नर ने ज्ञापन देकर हरे चारे के नाम पर लोगों को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए 1 रुपये किलो में चारा बेचने की अनुमति मांगी थी। को कानपुरा दोराई तबीजी वावे 4000 को भी को एक बीघा में 4 बीघा भरे किसान ने जार पूछ लियो, ठीक है ना। और ओ मैं ले रही हूँ 3000 का बीघा हूँ भाई, भी लड़ो आई माता को गांव बाहर डोकरी की फोटो लाग रही है। 3000 का बीघा में मारे 4 पिकअप दी है रचका की, तो अच्छा तीर्थ स्थान में गये का गड़ा काटो तो मारे काट दो ने। हाँ बाकी उत्तम है, बेच रहे हो आप तो? आपा पूरी दे रहे हो 10 रुपए की 5 किलो है सर, तू ला के नाग रे भाई, तू कितना ना के ये कितना में बेच रही है? तो तंगो सोको नहीं तो सोको आजा तेज बोल ले ना, आजा आगे आवे आगे भाई आगे आगे आ दो 10 रुपए की 10 पूरी आगे। ए मियां लोग ले आया करे डरच को 4000 रुपए भी को दो राय तबीजों गंदा पानी को अस्पत पानी को दे दे छाटो लावे। अभी वो जानवर मांदा पड़े और गायें आपर मरे तो मन गायें की दिया नहीं देखनी आवे। गायें मारा माँ बाप, गायें भाई भोजाई, गायें मारे कुटुम कबीलो, गायें देख मैं राजी हूँ। मेरे किसे माँ बाप है, किसे भाई भोजाई है, गायें मरे मरण बाप ले यही से गायें गला कटे और ये बेच बढ़िया ना देवे 30 पूड़ा। अबे बेच बढ़िया कोई पिया देवे के सो को नाग जो 2 पूड़ी को नाग बताओ वो को तरीको है कि तीर्थ स्थान में सुनमड़ा जो भी नाको हाथों नाको और जितनी भी लुगाया रोड पर बैठी है ना उठाओ गौ सड़क ने बिठाओ गाड़िया टकरावे गया। तो आप कितना दिन तक लगाओ दुकान? मैं तो देखो बाहर तो संक्रांत तक पर पूनम माउस का हमेशा ही बेचू जीव जड़ा तक, पूनम का माउस का जीव जड़ा तक है ठीक था।
मदार एसबीआई एटीएम बूथ से शातिर ने 1,95,000 रुपए निकाले। 29 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच 20 बार किया ट्रांजैक्शन। अलवरगेट थाना अंतर्गत नाका मदार स्थित एसबीआई शाखा के एटीएम बूथ से शातिर ने 29 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 के बीच लगभग 20 बार शातिराना ढंग से एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर 1,95,000 रुपये निकाल लिए। बैंक मैनेजर राजवीर कौर की ओर से अलवरगेट थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर अलवरगेट थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर शातिर आरोपी और उस गिरोह की तलाश में जुटी हुई है। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जाकिर ने बताया कि बैंक मैनेजर राजवीर कौर द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपयों की निकासी करने वाले गिरोह के पास एटीएम मशीन के हुड की चाबी है, जिससे वह एटीएम से छेड़छाड़ कर लगातार रुपये निकालने में कामयाब हो पा रहे हैं। लगातार बैंक के एटीएम के साथ छेड़छाड़ होती रही, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें 6 दिन बाद लगी, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। बहरहाल शाखा के सीसीटीवी फुटेज और एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, एटीएम में ये क्या नाम श्रीमती राजवीर कौर हैं, जो एसबीआई शाखा नाकामदार की मैनेजर हैं। इसने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की थी कि भाई 29/12/2021 से 3/1/2022 तक एटीएम के साथ छेड़छाड़ करके करीब 1,95,000 का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रांजिस्ट करके और फोन उसके एटीएम के साथ मशीन के साथ छेड़छाड़ करके और उसमें से निकाले हैं, जिसकी जानकारी इनको अभी पता चली। तो कल इन्होंने यहाँ प्रकरण दर्ज किया, प्रकरण के लिए एफआईआर दी, एफआईआर दर्ज की है हमने। एफआईआर दर्ज करने के बाद एक विशेष टीम श्रीमान एसएचओ साहब के निर्देश से तैयार कर आईटी सेल को भी उसमें शामिल किया गया है। आईटी सेल के कुछ कर्मचारी और श्रीमान रविंद्र सिंह जी मिलकर उसका पर्दाफाश करने के लिए कोशिश जारी है। छेड़छाड़ हुई है, उसके फुटेज वगैरह और वो प्राप्त कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अजमेर शहर में तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेएलएन अस्पताल प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए वार्ड, वेंटिलेटर, बाईपैप, ऑक्सीजन सहित दवाओं का पूरा स्टॉक रेडी। देश प्रदेश और जिले में कोरोना, डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रोन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि अस्पताल में मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार कर दिए गए हैं, जिनमें हर बेड पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बाईपैप आदि की सुविधा मुहैया कराई गई है। हालांकि इस बार तीसरी लहर की आशंका के बीच संक्रमित तो आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं होने से अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रहे। ज़्यादातर मामले घरों पर ही क्वारंटीन करने से ठीक हो रहे हैं, जो एक सुखद समाचार है। उन्होंने कहा कि फिर भी केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर अस्पताल में सभी चिकित्सकीय सुविधाएं और व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। अस्पताल में टेस्टिंग भी पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। गौरतलब है कि अजमेर जिले में गुरुवार को एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 287 संक्रमण के मामले सामने आए, जो चिंता बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में संक्रमण और तेजी से फैलेगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों से अपील है कि कोरोना से बचाव के लिए हमेशा मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग की सदैव पालना करें। कोरोना की जो तीसरी लहर आती प्रतीत हो रही है और नंबर ऑफ केसेस कोरोना के रेगुलर बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ जेएलएन अस्पताल भी पूरी तरह से उन मरीजों की देखभाल के लिए तैयार है। हमने हमारे यहाँ पूरी मरीजों के ओपीडी की, जांचों की तथा भर्ती की पूरी सुविधा मुहैया करा रखी है। हमारे यहाँ सारा ऑक्सीजन का मैनेजमेंट, सारी दवाइयाँ, ये सब पूर्णतया मौजूद हैं। जो सुविधाएं हमारे वेंटिलेटर्स की है या बाईपैप की है, वो सारी मौजूद हैं और सारी मशीनें ठीक कार्य कर रही हैं। जहाँ तक मरीजों के भर्ती होने का सवाल है, अभी इन दिनों कोरोना के मरीज ज़्यादा भर्ती नहीं हो रहे। कभी हमारे पास एक मरीज भर्ती होता है, कभी दो होते हैं, मैक्सिमम अभी तक 4 मरीज हमारे पास भर्ती रहे तथा कोई भी मरीज गंभीर हालत में सामान्यतः भर्ती नहीं हो रहे हैं। फिर भी क्योंकि ये कोविड चल रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, मेरी आमजन से अपील रहेगी कि जो कोविड एडिक्वेट बिहेवियर है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें मास्क लगा के रखना है और हमें हैंड सैनिटाइज करना है, ये बिल्कुल बराबर रखें। तो किसी भी तरह के सिम्टम होने पर तुरंत
अस्पताल से संपर्क करें और अपने आप को दिखाएं। इनका पूरा हमारे हर बेड पर हमने सेंट्रल लाइन दे दी है और हमारे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम अलॉट हुए थे उसमें ज्यादातर हमारे काम कर रहे हैं और जो जिनका इंस्टॉलेशन बाकी है वो भी निकट भविष्य में अगले 7 दिन में चालू हो जाएंगे। वेरिएंट कहा था कि डेल्टा वेरिएंट है, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था, अभी हमारे पास एक ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तीनों ही बीमारियों में, तीनों ही वेरिएंट्स में मरीज हमारे पास थे। जो मरीज अभी हमारे पास आ रहे हैं उनमें ज्यादातर में सीरियस स्थिति नहीं आ रही है, मरीज सीरियस नहीं है, पॉजिटिव आ भी रहे हैं तो भर्ती नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वेरिएंट कोई भी हो, कोविड से बचाव का जो दिशा निर्देश केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा हमें समय समय पर मिलते हैं उसमें तीन जो मेजर चीजें हैं जिनको हमें पालना करनी ही करनी है कि मास्क हमें लगा के हमेशा रखना है, नो मास्क नो एंट्री, ये बिल्कुल सब जगह चलना चाहिए, हैंड सैनिटाइज बहुत रेगुलर करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने चाहिए तथा समय समय पर जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश आते हैं कोविड मैनेजमेंट में उनकी हमें पूर्ण पालना करनी चाहिए। देखिए अभी तक जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो उतने सीरियस हालत में नहीं आ रहे जिस सीरियस हालत में डेल्टा प्लस के वेरिएंट, लेकिन प्रिकॉशन हमें बहुत जरूरी है। आज हमारे लिए ये दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम पब्लिक को इस बारे में अवेयर करें कि जेएलएन हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट द्वारा बेहतरीन पेन सर्विसेज दी जा रही हैं और सभी तरह के सिर से लेके पांव तक पेन दर्द यानी लेबर पेन, क्रॉनिक बैकएक, कैंसर पेन, माइग्रेन और जितने भी अपने फ्रोजन शोल्डर, घुटने का पेन, इन सब का इलाज बहुत सक्सेसफुल तरीके से किया जा रहा है नवीनतम पद्धतियों द्वारा। हमारे पास विभाग में पेन क्लिनिक में यूएसजी मशीन, सीआरएम, एक्सरे, पीआरपी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और उनके सभी उपकरणों की मदद से हम मरीजों का इलाज करने में बहुत सक्षम हो पा रहे हैं। और यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है पब्लिक को कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस दर्द से पीड़ित हैं और इलाज नहीं ले पा रहे हैं, शायद उनको ये मालूम नहीं है कदापि कि ऐसी भी एक सुविधा इस अस्पताल में मौजूद है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि कृपया इन सुविधाओं का मैक्सिमम रूप से उपयोग करें, लाभान्वित होएं और जिससे हमारा भी एक तुष्टिकरण हो। हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की मैक्सिमम हेल्प कर सकें। आपका नाम और पोस्ट? मैं डॉक्टर कविता जैन, प्रोफेसर सीनियर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर। बिजली विभाग द्वारा 2,71,000 रूपए की बैलेंस शीट भरने से आहत गरीब किसान ने की आत्महत्या। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शव उठाने से किया इनकार। श्रीनगर थाना अंतर्गत गांव नौलखा में रहने वाले 56 वर्षीय पूरन सिंह रावत पुत्र लादू सिंह रावत ने बीती रात कीटनाशक का सेवन कर खुदकुशी कर ली। ग्रामवासियों ने बताया कि खुदकुशी करने का कारण बिजली विभाग द्वारा मृत पूरन सिंह रावत के खिलाफ 2,71,000 रुपये की रिकवरी निकाल दी गई और उसकी बैलेंस शीट भर दी गई, जिसके बाद लगातार उसे नोटिस भेजे जा रहे थे और गिरफ्तारी का भय दिखाया जा रहा था। पुलिस आए दिन उसके घर पर जाकर उसे पैसे जमा कराने के लिए दबाव बना रही थी, जिससे आहत होकर पैसे चुकाने में असमर्थ गरीब पूरन सिंह ने कीटनाशक का सेवन कर मौत को गले लगा लिया। ग्रामीणों ने मोर्चरी से शव नहीं उठाने की चेतावनी देते हुए आरोपी बिजली विभाग के अधिकारी को निलंबित कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने के साथ ही उसकी रिकवरी शून्य किए जाने की मांग की है। इस मौके पर श्रीनगर थाना पुलिस के SHO गणपत सिंह महजाप्ता मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया। सर, यहाँ एक किसान आत्महत्या का मामला है, जो मृतक है वो मेरे चाचा जी। एक्चुअल में उनके एक बिजली विभाग द्वारा नाजायज तरीके से एक सीट भरी गई। वो सीट भी अगर उनका मौके मुआयने पे जो चीज़ों को देखा जाए तो भी उतना जुर्माना भी लगाया जाए तो भी कवर नहीं होती, और उन्होंने अपने खुद के हाथों से तार लगा के सीट भरी थी। तो इस वजह से ये तकरीबन 4 महीने पहले भरी थी और उसके बाद उनके पास नोटिस पे नोटिस आए जा रहे थे,
और अभी पुलिस वालों ने 2-3 दिन पहले भी उनको आके किस तरह के नोटिस दिए उनको कि ये जुर्माना पूरी राशि भरी जाए नहीं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और वो सर गिरफ्तारी के डर से डिप्रेशन में आ गए, तो डिप्रेशन में आके उन्होंने ये आत्महत्या का किस तरह से सर 2,73,000 की सीट भरी गई है। 2,73,000 का तो वहाँ मौके मायने पे जाके अगर कुछ देखा जाए ना तो कुछ भी नहीं। आप अगर आप वहाँ से 10 गुना ज्यादा भर्ती हो। और सर एक्चुअल में ये उनको अभी 2-3 दिन पहले भी उनको नोटिस 6 जनवरी को नोटिस मिला था और पुलिस वाले आए थे थाने से, तो उन्होंने ये बताया कि ये तो उन्होंने बोला कि भाई जब मैंने चोरी की नहीं है और नाजायज तरीके से सीट भरी गई है तो मैं क्यों भरूं, और मेरे पास 2,73,000 का तो एसेट भी नहीं है आसपास देखा जाए तो किस हिसाब से ये सीट भरी गई। तो हम सर ये चाहते हैं कि जो संबंधित अधिकारी है जिन्होंने ये सीट भरी है उनको सस्पेंड किया जाए और उनकी ये जो सीट है ये भी कैंसिल की जाए और इनको उचित मुआवजा जो राशि है। और हम यहाँ थाना अधिकारी है उनसे भी रिक्वेस्ट की थी हमने कि आप कल संबंधित जो अधिकारी है प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब उनको भी बुलाया जाए, क्योंकि हमने इस मुद्दे को सर प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी रखा था लेकिन वहाँ इस मुद्दे को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया गया, वरना आज ये सिचुएशन नहीं होती। सुसाइड करने वाले का नाम क्या था? सुसाइड करने वाले का नाम पूरन सिंह रावत है। कहाँ के रहने वाले? नौलखा निवासी है। किस तरह से सुसाइड किया? सर उन्होंने पॉइजन खाया था। आज नौलखा गांव से एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया कि पूर्ण पिताजी का नाम लादू रावत, उम्र 56 साल, ये जो है कीटनाशक पी करके इन्होंने आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में इनके बच्चों ने रिपोर्ट दिए एग्जाम बिजली वालों ने 2021 में 2,73,000 रुपये की रिकवरी निकाल दी, BC भर दी, इस वजह से वो पैसे जमा नहीं करवाए, तकाजे की वजह से उसने जो आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके और तत्वित कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मृतक की बॉडी लेने से भी मना कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे, पंचायतनामे की कार्रवाई करेंगे, उसके बाद नहीं कह सकते कि नहीं ले रहे। नौलखा के ग्रामीणों के साथ पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत SDM से मिले और उन्हें मृतक के परिवार को मुआवजा देने, बिजली विभाग द्वारा भरी गई शीट को रद्द करने और दोषी अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग की, जिसे तत्काल मान लिया गया। बाकी अन्य मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात का आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर शव को उठाया गया। विधायक रावत ने कहा कि कांग्रेस राज में गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, बिजली विभाग मनमानी लूट मचा रहा है, चाहे कृषक हो चाहे आमजन, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ऐसे में आमजन में सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है। सर जो पूरन जी का जो मामला था उसके अंदर जिस भी विद्युत विभाग के कर्मचारी ने जो सर मामला दर्ज किया था या जिसने जो राशि काटी थी सर 3 लाख के लगभग, उसको सर सस्पेंड कर दिया गया है। सर मांगे क्या थी? सर हमारी दूसरी मांग थी हमारी के उसको 5 लाख से ज्यादा हमको मुआवजा मिले, तो इन्होंने हमें लिखित में आश्वासन कराया SDM साहब ने, बोले 5 लाख से अधिक आपको राशि दिलाई जाएगी सर। और तीसरी मांग हमारी थी भाई के सर जो राशि उन्होंने भर के गए 3 लाख रुपए उसको जीरो कर दिया जाए, उसको सर जीरो कर दिया गया सर। हम जाके हाईवे पर खड़े हो गए थे, इन्होंने जीरो कर दिया, हमें खुशी है सर प्रशासन ने हमारी बात मान ली सर। पूरन सिंह निवासी नौलखा ने कल जहर खा के आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या का कारण था कि कुछ महीनों पहले उसकी जबरदस्ती पोल्ट्री फार्म के नाम से खेतीबाड़ी के अंदर वो अवैध रूप से पिलाई कर रहा, उसका झूठा कारण बता के लाखों रुपए के गरीब आदमी जिसको खाने के लाले पड़ते हैं, जो खेतों के अंदर कुछ नहीं बोया हुआ है, पोल्ट्री फार्म के अंदर बिल्कुल खाली है, वहाँ पर इन्होंने लगभग 2.5 लाख की भारी भरकम सीट भर दी और वो दर दर भटकता रहा, कभी IN ऑफिस में, कभी एक्शन ऑफिस में, कभी MD ऑफिस में, किसी ने उनकी सुध नहीं ली और कल उसको मजबूरन होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। तो मैं आज हम सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर जिला प्रशासन से बात करी, मेरी कलेक्टर से भी सुबह, कलेक्टर साहब से भी मेरी सुबह बात हुई, MD से भी मेरी सुबह बात हुई, और उच्च अधिकारियों से भी हमने कहा कि भाई दोषी अधिकारी है उसको सस्पेंड करें, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चले, दूसरा जो गलत सीट भरी वो निरस्त हो, तीसरा क्योंकि गरीब आदमी है आगे उसके बाल बच्चे हैं, बाल बच्चों का पूरा जीवन है, तो उसको उचित मुआवजा मिले। साथ ही हमारी सरकार से मांग है कि जिस तरह से वो 3 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर नंगा नाच मचा रखा है, जिस तरह से बिजली डिपार्टमेंट एक लुटेरे का काम कर रहा है, जबकि बिजली डिपार्टमेंट तो जो लोगों के हित के लिए बना था, पब्लिक सेवा के लिए बना था, लेकिन उन्होंने उसको लूट का साधन बना लिया। आज चाहे किसान देख लो, बिजली के बड़ बड़ के बिल आ रहे हैं, ताबड़तोड़ VCR भरी जाती है, वहाँ फरमान होता है सरकार से कि साहब इतनी VCR रोज की भरनी चाहिए।
इसके अलावा भी घरेलू कनेक्शन के अंदर भी बढ़ के बिल आ रहे हैं, व्यापारी भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है। तो इस कांग्रेस सरकार के अंदर हर वर्ग दुखी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को 3 साल लूटने का काम किया, और इससे बड़ी क्या बात होगी कि बिजली की सीट भरने से ये राजस्थान को कलंकित करने वाला काम है, पूरे देश के सामने राजस्थान को शर्मसार करने वाला काम है कि हमने किसान आत्महत्या करते हुए तो सुना था कि कर्ज के माथे डूबते, लेकिन बिजली का मामला ये हमारे क्षेत्र के अंदर पहली बार आया है। इससे कि हम घोर कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करते हैं, और साथ ही प्रशासन को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर भविष्य के अंदर किसी की गलत सीट भरी तो इसका अंजाम बहुत गलत होगा। कौन से गांव का मामला है? नोलका गांव का। तो सर इसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा कितने? देखिए, हमारी मांग है कि 20 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, दोषी अधिकारी उसको तत्काल सस्पेंड हो, आज की हो, आज ही और अभी हो, और इसके अलावा उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उसकी जांच होकर उसको सजा मिले। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।